ई सी ई कैरिकम अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन करिकुलम डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे अर्ली चाइल्ड हुड करिकलम के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले हमें करिकुलम की डेफिनेशन पता करनी चाहिए या हमें आनी चाहिए करिकुलम से मुराद आर ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर ऑर्गेनाइज एंड प्लान्ड बाई द स्कूल वेदर इन द स्कूल और आउट ऑफ स्कूल टू अचीव प्री डिटर्म गोल्स तो पहले से तयशुदा गोल जो हैं स्कूल के अंदर उनके एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाए या या स्कूल से बाहर तो करिकुलम जो है ये अच्छा अब इसके डिफरेंट हैं इसको किसी जगह सब्जेक्ट मैटर कहा जाता है किसी जगह अब अरबी में इसको मनहाज कहते हैं और जो यूनानी थे इसको रन कहते थे तो इस तरह करके इस, इसके डिफरेंट डेफिनेशन थी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो चूँकि बिल्कुल इब्तदाई ज़माना है और इसमें लैंग्वेज सिखानी होती है तो हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से जो है अर्ली चाइल्डहुड का जो करिकुलम है उस पर खास तोज्जो देनी चाहिए तो करिकुलम रेफर्स टू एजुकेशनल प्रोग्राम दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर यंग चिल्ड्रन यूजली फ्राम बर्थ टू एट ईयर्यर्यर्यर्यर्यर्स ऑफ एज तो यानी पर्थ से लेके आठ साल की उम्र तक का जो है बच्चों का ये प्रोग्राम होता है और इट एम्स टू प्रमोट होलिस्टिक डिवेलपमेंट होलिस्टिक डिवेलपमेंट मजमू डिवेलपमेंट है यानी उनकी जहनी जिसमानी सोशल जज्बाती हर तरह की नश्वर के लिए एक साथ काम करे इंक्लूडिंग तो फिजिकल काग्नेटिव सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बाई प्रोवाइडिंग डिवेलपमेंटली प्रोप्रिएट तो ये जो ग्रेजुअली उनकी लैंग्वेज चीज़ें डिवेलप करे ये जो डिवेलपमेंटली अप्रोप्रिएट क्या मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो ग्रेजुअली ग्रोथ करे जैसे और लर्निंग एक्सपीरियंस उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का ये करिकुलम इसी करिकुलम इज़ बेस्ड ऑन फिलॉसफी। ये इस फिलोसफी पे बेस करता है दैट यंग चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू प्ले वे एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। बच्चों को प्ले uh, मेथड से या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस से उनको सिखाया जाए मतलब कोई कंपिटिशनस करा के ड्राइम्स के जरिए कंक्रीट uh, जो चीज़ें हैं ना इस लेवल पे जो उनको कंक्रीट से अनकंक्रीट की तरफ जाना होता है और इस तरह उनको सिखाना चाहिए एंड द लर्न एट देयर ओन पेस और अपनी उनको यानी इंडिविजुअली हमें ये तरक् फैसिलिटी दे देनी चाहिए कि वह हर बच्चा अपनी रफ्तार के साथ सीखे एंड देयर ओन यूनिक वेज और अपना जो उसका यूनिक वे है वो उस तरह उसका यानी उसकी जो लर्निंग स्टाइल्स हैं उसके मुताबिक वो सीखे देयर द करिकुलम इज़ डिज़ाइन टू चाइल्ड सेंटर्ड तो लिहाजा इस लेवल पर जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम ये बहुत ज़रूरी है और जो चाइल्ड सेंटर करिकुलम होगा इसमें टीचर का रोल जो होगा वो फैसिलिटेटर का होगा एंड टू एकोमोडेट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन तो जो बच्चों के इनफरादी अख्तलाफा हैं मसलन कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं कुछ स्लो लर्नर होते हैं कुछ मीडियाकर होते हैं कुछ इस तरह कुछ एक्टिविटीज़ के जरिए सीखते हैं कुछ रट्टा लगा के सीखते हैं कुछ इस तरह तो, तो आपको एकामोडेट एक, करना चाहिए उनकी जो उनके जो आप टीचर को यहाँ ये करना चाहिए कि उनको बच्चों के लर्निंग स्टाइल समझने चाहिए हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का यही एक प्रॉब्लम है कि वो बच्चों बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं समझते और इस वजह से हमारे जो लर्निंग क्वालिटी है वो पुअर है उनकी सो करिकुलम फॉर ई इज़ डिज़ाइन टू प्रमोट लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ तो मुख्त किस्म की एक्टिविटीज़ के जरिए उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट करनी चाहिए या करते हैं एंड एक्सपीरियंसिस इसमें क्या शामिल है अपॉरचुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन टू लिसन तो बच्चों को लिसनिंग सबसे पहले कराना याद रखें लैंग्वेज डेवलपमेंट से सबसे पहला काम जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो लिसनिंग है तो आप जाते ही उनको पेन और वो चीज़ें ना पकड़ा दें बल्कि क्या करें बच्चों को सबसे पहले उनकी लिसनिंग डिवेल्प करें एंड रिस्पोंड टू स्टोरीज़ वो स्टोरीज़ को रिस्पोंड करें राइम्स एंड सॉन्ग्स जो उनकी पोएम्स हैं वो उनको देखें उनको सुने और उसको वो बच्चे लर्न करें टू इंगेज इन कन्वर्सेशन विद पियर्स एंड अडल्ट तो वो बच्चे जो उसमें बिज़ी हो जाएँ गुफ्तु में और अपने साथियों के साथ और अडल्ट के साथ एंड टू यूज़ लैंगवेज टू एक्सप्रेस देर थाट्स एंड फीलिंग्स अब मैं मसला बच्चों को आप काउंटिंग सिखाना चाहते हैं तो अगर आप उर्दू में अगर हम ये करेंगे तो हम अगर ये उनके लिए पोएम ये बोलें कि काउंटिंग सिखा रहे हैं एक या एडिशन आप सिखा रहे हैं उनको तो एक में एक मिलाएंगे दो की गिनती पाएंगे दो में एक मिलाएंगे तीन की गिनती पाएंगे तीन में एक मिलाएंगे इस तरह तो या फिर और डिफरेंट जो है वो पोइम्स हैं उनको आप उससे क्या होगा बच्चे की इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगी बच्चे का लर्निंग का जो है वो एटीट्यूड बन जाएगा तो अब देखें अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम मॉडल्स में क्या है इस्टेब्लिश ये तस्वीर में आप देखें इस्टैब्लिश यूज़ ऑफ़ मटीरियल्स एंड क्लासरूम एंगेजमेंट तो आपने क्या करना है कि मटेरियल्स और क्लासरूम रूम इंगेजमेंट का इस मॉडल को फोकस करना है सजेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिस तो टीचिंग एंड लर्निंग देखें इस लेवल पे जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी वो बच्चे नहीं सीख सकेंगे और आर थेरी बेस्ड तो क्या इसके पीछे कोई अब देखिए कंस्ट्रक्टिविस्टिक थेरी है ये वो अप्रोच है कि जिसके तहत बच्चे ने अपना नॉलेज ख़ुद कंस्ट्रक्ट करना होता है तो बजाय इसके कि आप रटे से या हम उनको किसी और तरीके से सिखाएं बल्कि बच्चों को ख़ुद वो ट्रायलर एरर बेशक हो या कुछ और इस तरह करके वो सीखे सो डिफ़ाइनिंग टीचिंग फिलासफी तो टीचर को अपनी टीचिंग फिलासफ़ी डिफ़ाइन करनी चाहिए और प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंस्ट्रक्शन डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी चाहिए अपनी इंस्ट्रक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए यानी वो भी किसी तरीके से आप उस टीचर अपनी इंस्ट्रक्शन को ऑर्गेनाइज करें सो अर्ली करिकुलम

अब रोल ये है कि सबसे पहले टीचर को रोल डिफाइन करने चाहिए और से फिर ब्लैक ब्लॉक बिल्डिंग बच्चे ब्लॉक्स बनाएं एंड आर टू इनक्रेज चिल्ड्रंस यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के लिए वो क्या करें कि लैंग्वेज को uh, को कन्वर्सेशन के लिए लैंग्वेज का इस, किस, इस तरह इस्तेमाल करें और कोलेबरेट विद अदर्स तो दूसरों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके टू डिवेल्प देयर वैकेबलरी एंड अंडरस्टेंडिंग आफ कॉन्सेप्ट तो इस तरह वो अपनी लैंग्वेज में को डिवेल्प करें और कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएं तो ये थी मुख्तलिफ अर्ली चाइल्ड हुड करिकलम के हवाले से उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए और किस तरह उनको मतलब है टीचर को एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको पढ़ाना चाहिए